संस्कृत वर्णमाला मतलब संस्कृत अल्फाबेट। संस्कृत अल्फाबेट में स्वर और व्यंजन दोनों ही चीज है। साथ में अपने जो पढ़ा था तीसरा पॉइंट प्रयोग वाह, ठीक है ना, ये सब चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जो हमने वर्ण पढ़े थे उसको यहाँ पर हम उसके कैरेक्टर के हिसाब से समझना है ना, वस्तु के हिसाब से, रूप के हिसाब से पहचानने की कोशिश करेंगे। उच्चारण यूज करेंगे कैसे देखते हैं। पहले क्या दिया है हमारा अ, अ से क्या होता है गॉट मतलब अजा, अजा मतलब गॉट होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं गॉट बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसे क्या बोलेंगे बकरी, ठीक है। अजा संस्कृत वर्ड है, गॉट इंग्लिश वर्ड है, और इसको अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं बकरी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अ और अच्छा देन गॉट। सेकंड है आ, अगर हिंदी में होगा तो आम, संस्कृत में होगा तो आम्रम, इंग्लिश में होगा तो उसे मैंगो। ई मतलब शुगर के, शुगर के मतलब गन्ना, हिंदी में इसे गन्ना बोलेंगे पर संस्कृत में इसे इच्छुर बोलेंगे। ध्यान रख चलना आपको संस्कृत के जो जो वर्ड्स आ रहे हैं जो हिंदी के वर्ड से उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ई ई मतलब इला, इला और अर्थ बोला, इला और उसके नीचे लिखा अर्थ, मतलब ये देखा जाए तो हिंदी में इसे पृथ्वी बोल रहे हैं, इंग्लिश में अर्थ बोल रहे हैं और इसे इला बोलते हैं संस्कृत। तो लुक आउल और इसे हिंदी में बोलते उल्लू बोलते हैं। ध्यान रखें इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उल्लू कहा मतलब ये क्या, उल्लू एक मेल है, इसे इसके आगे क्या लगा दिया उसने विसर्ग का यूज किया है, ठीक है ना। ये पुरलिंग है उसकी वजह से, एक बार ध्यान रखना इच्छुहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पुरलिंग है वहाँ पर क्या हो रहा है अंत में, शब्द के अंत में आपको ये विसर्ग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। ये पहचानने का मतलब उड़ना, भूल भूल मतलब क्या होता है उड़ना, भूल और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे भूल या भूलन भी बोलते हैं हम इंग्लिश में, नहीं स्वेटर भूल है, ऊन बोलते हैं ऊन, उड़ना मतलब ऊन बोला जाता है हिंदी में। ऋ मतलब ऋषि है, सेज, ऋषि को ऋषि ही कहा जाता है या संत कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ऋ ऋ मतलब चेस्ट, चेस्ट छाती है ना, चेस्ट मतलब छाती। ए मतलब पिला मतलब कार्डमम मतलब ये इलायची होती है हिंदी में, ठीक है। ए मतलब इनिद्र मतलब क्राउ, जैसे कि क्राउ को क्या बोलते हैं हिंदी में कौपा, ठीक है। ओ मतलब ओतूह मतलब ये कैट मतलब बिल्ली। ओ मतलब औषधम मतलब मेडिसिन, ठीक है। तो ये आपको औषधम मेडिसिन मतलब दवाई हिंदी में क्या बोलेंगे उसे दवाई बोलेंगे। आपको समझ में आ गए कि जो स्वर होते हैं स्वर में ये 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक ल जो था उसका बीच में यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी तक नहीं बताया है। बाकी सभी जो वर्ण थे उनके कहीं ना कहीं उच्चारण बता दिए गए हैं जिससे हम पहचान सके कि किसी आइटम को, किसी वस्तु को या किसी ह्यूमन बीइंग को या फल को, मतलब इस तरह से उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश की जा रही है जिससे आपको इजीली समझना, ठीक है ना। अब हम आते हैं अभी ये अनुस्वार विसर्ग और अवग्रह, ये हम इसको सबसे अंत में इसको रीड करेंगे। सबसे पहले हम पूरे वर्ण खत्म करते हैं, उसके आखिरी में ये सब चीज़ हमको देखेंगे। अब आती है व्यंजन, व्यंजन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। व्यंजन में हमने क्या देखा था कितने कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कंठ, ठीक है। और कंठ मतलब क्या, जो हमें कंठ से उसकी आवाज निकलती स्वर आते हैं इसलिए हम उसे कंठ वर्ग कहते हैं, और कंठ से निकलने कंठ बोला जाता है।
क पशु क्या है क ख ग ग ग न सॉरी ये क्या है न होता है तो क मतलब पोतर मतलब पीजन मतलब आपने देखा होगा ये पीजन हर जगह मतलब कबूतर होता है हिंदी में ऐसा कपूत कपूत कहा जाता है इसे पीजन क्या जाता है इंग्लिश में तो हिंदी में क्या बोलते हैं कबूतर ख मतलब खर रहा टंकी गधा हिंदी में तो गधा कह देते गज गज मतलब एलिफेंट और एलिफेंट को बोलते हैं हिंदी में हाथी घर मतलब घटी क्लॉक क्लॉक को क्या बोलेंगे घड़ी हिंदी में क्या बोलते हैं उसे घड़ी कहते हैं ठीक है ना। अब ये जो आखिरी जो न इसे न भी कहते हैं ठीक है तो न मतलब क्या होता है शब्दों आदि अस्य प्रयोग न भवति तो यथा अंक पंकज इत्यादि मतलब जैसे इसमें कहीं ना कहीं हमने लास्ट टाइम में हमने कहीं देखा था कि जैसे गंगा तो गंगा में जो होता है जो संस्कृत वर्ण में ये लगा के जाता है तो गंगा हो जाता है ठीक है तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है इत्यादि जैसे देखो लिखा है यहाँ पे पंकज ठीक है अंकज ठीक है इस तरह से इनका यूज किया जाता है क वर्ग में ठीक है नासिकीय सह भवती ठीक है। अब ये जो होता है नेक्स्ट वाला कौन सा होता है च छ ज झ ये जो होता है कंठ कंठ के बाद क्या होता है दूसरा जो होता है तलवे जो होता है तलवे में च छ च झ और यह भी बोलते हैं ना भी बोलते हैं ध्यान है दोनों ही चीज को बोला जाता है यह और ना भी बोला जाता है ठीक है। अब बात करते हैं च मतलब चम्मच मतलब स्पून हिंदी में क्या बोलेंगे तो चम्मच कहते हैं छ मतलब छत्रम अम्ब्रेला छाता हिंदी में छाता होगा ज मतलब जलजह लोटस अब लोटस मतलब लोटस के फूल आते हैं वो उनको कमल के फूल बोला जाता है लोटस के फूल बोला जाता है वो चीज है झ मतलब झरना तो वाटरफॉल मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं झरना। अब लास्ट में क्या है इसे न भी बोलते हैं कुछ यह भी बोलते हैं ज्ञा ज्ञा बोलते हैं ज्ञा तो शब्द ना मध्य अस्य प्रयोग होती शब्द के मध्य मतलब ये चंचल हो गया चंचल ठीक है ना अचित अचित इत्यादि इस तरह से उसको बोला जाता है ठीक है तो न तो चरण आ रहा बीच में ठीक है। अब नेक्स्ट है ट ठ ड ढ न ठीक है तो इसको क्या बोला जाता है ये किस कौन से वर्ग का कहा जाता है इसे मृगन्य वर्ग कहा जाता है इसे जिसमें ट मतलब टिटम्भ संदीप पीपज ठीक है ठ मतलब ठारा मतलब स्नो मतलब बर्फ ड मतलब डमरू डमरू और पहले ड्रम तो सर डमरू हिंदी में डमरू ही बोलते हैं हम लोग तो डमरू है ना ढोल ढ मतलब ढोल ड्रम मतलब ढोलक ढोलक ये क्या होता है न होता है ठीक है। शब्दानो आदो अस्य प्रयोग न भवति यथा कंठा घंटा जब शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है जैसे से लिखा कंठा है ना घंटा ठीक है मणि इत्यादि इस तरह से इसका यूज किया जाता है ओके। अब ये क्या त त मतलब हम दांत से इसका उच्चारण करते हैं त थ द ध त मतलब तुला मतलब स्केल मतलब तराजू हिंदी में थ मतलब थुत कदम स्पीड थूकना ठीक है द मतलब दीप तो लेम हिंदी में दीप ही बोलेंगे ध मतलब धनु तो बो धनुष इसे क्या बोलते हैं हिंदी में धनुष बोलते हैं। अब न मतलब क्या होता है नौका सिंपल वर्ड है न तो नौका इट मीन्स बोट। नेक्स्ट है पोट से बोलने का काम मतलब प मतलब पताका पताका मतलब पेनेट पेनेंट मतलब झंडा दिख रहा है ना फ्लैग झंडा प मतलब फलम ये फलम की टोकरी दिख रही है फ्रूट हो गया ब मतलब बकह मतलब हेरोन मतलब बदक हिंदी में बदक भ मतलब भालू कह डियर मतलब भालू हिंदी में
मा मतलब मीना, फिश मतलब हिंदी में मछली, ठीक है। अब ये जो थे हमारे व्यंजन थे जो हमने 33 जो ऑलरेडी यहाँ पे कह दिए थे। अब ये य वर्ग है मतलब य र ल व, ठीक है। यरल मतलब यज्ञ या जूना या जना मतलब यज्ञ, हम सिंपल सिंपल यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ कर दिया हमने, है ना। र मतलब रथ, संस्कृत में रथ कर दिया और कैरेट कर दिया, चैरेट कर दिया चैरेट। ल मतलब लता मतलब क्रीपर, लता। ये व मतलब वनम मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। तो ये होता है हमने चार शब्द होते हैं जो हमने चार वर्ण है जिसके बारे में पढ़ा, वर्ग के हैं। अब होता है श, श जो होता है उष्ण से होता है, उष्ण वर्ग से कहलाता है। तो देखो श मतलब शाह रैबिट, शाह मतलब उष्ण, मतलब फूक मारने की वजह से क्या, उष्ण की वजह से क्या होता है, शब्द जनरेट होती है, वर्ण जनरेट होते हैं, ठीक है। शाह श शाह मतलब रैबिट, श तो षटकोण, षटकोण जितना हेक्सागोन, षटकोण हेक्सागोन बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब स्वयं एप्पल मतलब एप्पल, हाँ मतलब हिरण, बियर हिरण वो बियर, तो हिरण भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या थे, उष्ण वर्ग थे, उष्ण व्यंजन थे जो हमने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है। अब बचे जो हमारे पास है अनुनासिक फलन, कुछ ऐसे जो ये वर्णों के ऊपर इनको कहीं ना कहीं लगाया जाता है, वर्णों में कहीं ना कहीं इनका यूज किया जाता है। पहले होता अनुनासिक, तो अनुनासिक नाक से कहने का, यहाँ पे आपको दिख रहा है चंद्र बिंदु, ठीक है। तो चंद्र बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल सा अगर हम देख रहे हैं चंद्र मा, ठीक है। ये इन पे कहीं ना कहीं नाक के थ्रू इसको बोला जाता है, नासिक भवती, केवल नासिक भवती, है ना, इसे, ठीक है। इस तरह से यूज करते हैं हलंत, मतलब वो जो शब्द के आखिरी में आते, शब्द के अंत में आते, वो भी तिरछी रेखा के हिसाब से लिखा जाता है। और ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हम संस्कृत में संस्कृत का यूज कर रहे होते हैं, तो हर वर्ण व्यंजन में आप देखेंगे हर वर्ण में ये तिरछ लगी हुई मिलेगी, ये तिरछी रेखा लिखी हुई है, इसे हलंत कहते हैं। क च फिर आदि मात्रा कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, आदि मात्रा, ठीक है। अब मेन चीज है अनुस्वार विसर्ग और अवग्रह, मतलब अवग्रह हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अनुस्वर मतलब जो कि जो बिंदी है, जो एक सिंगल बिंदी वो कहाँ पर है, वर्ण के ऊपर प्रयोग की जाती है, जिसे वैसे म और न के उच्चारण से वर्णित किया जाता है, जैसे आम, ठीक है, या फिर रंग ना आ गया रंग अंग, ठीक है। विसर्ग मतलब क्या है कि दो बिंदु होते हैं जो वर्ण के आखिरी में लगे होते हैं, जैसे राम हरिह त्याज, ये विसर्ग वर्ग होते हैं। अवग्रह मतलब अने अति वर्ण से खुद पूर्ण अस्तित्व बोलते अवर्णित के ओ टी पूर्व कृतचित्र सर्व दीर्घ तस्य प्रयोग यथा देखो देखा हरे त्र कुट्यम कोर्यम ऐसा श्रद्धा श्रद्धास्ति, ठीक है, अर्घ्य चरणम न प्रवृत्तम। तो ये इस तरह से इन इनका यूज किया जाता है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, संस्कृत वर्णमाला या संस्कृत अल्फाबेट के चार्ट को देखा, जिसमें हमने उसको किसी वस्तु के थ्रू, किसी पेड़ पौधे के थ्रू, चिड़िया के थ्रू, थिंग्स के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की कि उसका उच्चारण कैसे करेंगे, ठीक है।